भाई रेड कलर लू या व्हाइट कलर, अंतर क्या है? कोई भी ले, मगर दोनों में तो 1000 रुपये का फर्क है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है सिर्फ कलर का? हाँ भाई, क्या आप भी ये सिचुएशन में फंसे हो कि कौन से कलर की वॉशिंग मशीन लूँ? और हम सबके मन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई एक ही बार तो लेना है, कोई अच्छी वॉशिंग मशीन लेते हैं, अपने पसंद के कलर की लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमें कौन से कलर की वॉशिंग मशीन लेना चाहिए। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनबॉक्सिंग लाज, मेरा नाम है गिरिराज। एंड प्लीज़ पहले तो लाइक कर लो यार, उसके बाद भले ही शेयर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको पसंद आता हो तो। सो बेसिकली हम कई ब्रांड्स ऐसी होती है ना जो सिर्फ कलर के लिए प्रीमियम चार्ज करती है वॉशिंग मशीन में। हम सब ने देखा होगा, फॉर एग्जांपल एलजी जैसी ब्रांड है तो उसका कुछ व्हाइट कलर आता है और कुछ रेड कलर का आता है। अब व्हाइट कलर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, रेड कलर ट्रांसपेरेंट होता है। अब या उसमें भी एक वैरायटी आती है जो प्लेन रेड भी होता है, ट्रांसलूजेंट होता है। तो एग्जैक्टली कौन सा लेना चाहिए कलर, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो कोई भी कलर में नहीं जाना चाहिए। अब उसका रीज़न बड़ा सिंपल है। ये वॉशिंग मशीन एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जो घर के पीछे पड़ा रहता है, उसको कोई भी नहीं देखता है। मतलब एक बार वो घर में वॉशिंग मशीन आ जाए ना तो वो पड़ा रहता है, उसको मतलब उसमें से धुलने और सुखाने के काम आता है। और कोई ऐसी यूटिलिटी नहीं है, वो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है या कोई सामने एंगेजिंग प्रोडक्ट नहीं है घर में अट्रैक्ट करने के लिए। तो ऑनेस्टली प्लीज़ अपने पैसे बचाइए, अननेसेसरी स्पेंड मत करिए। जो आपको सबसे रीजनेबल प्राइस में एक अच्छी ब्रांड का वॉशिंग मशीन मिलता है वो लीजिए, कलर के लालच में मत जाइए। वो जो आप पैसा बचा रहे हैं उसके आप कोई और यूटिलिटी में कोई अच्छा इफेक्टिव प्रोडक्ट लीजिए, मगर डू नॉट स्पेंड। ये मेरा पर्सनल थॉट है, आपकी मुझे पता है क्योंकि प्रैक्टिकली प्रोडक्ट के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो ऑनेस्टली अननेसेसरी आप उस चीज़ में एक्स्ट्रा पैसा ना डालें। अगर आपको ये वीडियो शॉर्ट एंड यूज़फुल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, डू सब्सक्राइब। जो वॉशिंग मशीन खरीदना चाह रहे हो, थोड़ा फैंसी प्रोडक्ट देख रहे हो। थैंक यू।